हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। मतलब टाइम कहाँ से जाएंगे आप पता भी नहीं चलेगा, ये करते करते इतना मज़ा आने वाला है। तो देखिए, पहले तो मैं इस वीडियो के बारे में बताता हूँ, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो ये एक्सपेरिमेंट ये मतलब एक टाइम पास करने वाली चीज़ है। तो देखिए, आपने ये वीडियोस तो ज़रूर देखा होगा, आप रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो भाई कोई भी एक पत्ता लेता है, पत्ता लेने के बाद उसके पीछे इधर पीछे के साइड पे इंक लगा देते हैं, इंक लगा कर उसे पानी में छोड़ देते हैं, मतलब पाउंड में या फिर पानी के टब में कहीं पर भी छोड़ देते हैं। वो पत्ता मतलब एकदम निकल कर चले आता है, मतलब शिप की तरह दौड़ने लगता है। मैंने भी ऐसे किया। ये वीडियो शूट करने से पहले मैं कर देखता हूँ भाई वीडियो वो सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने लगाया भाई, इंक लगाया, लगा कर पत्ता था भाई, वो पत्ता वहाँ का वहीं है, पत्ता वहाँ से हिला भी नहीं। तो ऐसी बैठे बैठे मैंने सोचा भाई, तो मैंने बहुत बार सैनिटाइजर से देखा है, जब भी हम पानी में सैनिटाइजर मतलब जेली टाइप का जो सैनिटाइजर होता है उसे हम जब पानी में डालते हैं ना, तो वो एक रिपल्शन कुछ क्रिएट करता है, वो मतलब इधर उधर मार लेता है। आप एक टब ले लो, आप टब में एक सैनिटाइजर की एक बूंद डाल दो, वो बूंद बहुत ही तेज़ी से उधर इधर जाएगी। तो मैंने उस इंक के बजाय इस सैनिटाइजर को डाल के देखा, तो भाई बहुत कमाल के रिजल्ट्स थे। मैं बोलूँगा नहीं, आप कर दिखाऊंगा, आप देखो और आप ही कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस टब में थोड़ा सा पानी भर लिया है। अब मैं कहीं स्विमिंग पूल या पॉन्ड में तो जा नहीं सकता, तो अब मैं इस पत्ते को इसमें रख दे रहा हूँ। रख दिया, ये रहा सैनिटाइजर, इसे खोला और इसके पीछे डाल दिया। जा रहा है ना फ्रेंड, इसके पीछे इंक डालने पर नहीं जाएगा, लेकिन डायरेक्ट वीडियो में वैसी दिखा रहा है। अब हम ये पत्ता ही नहीं, अब मान लीजिए हमारे पास ये एक पेपर का टुकड़ा है, तो पेपर के टुकड़े को हमने इसमें डाल दिया और इसके पीछे हमने सैनिटाइजर डाल दिया। तो देखिए, ये पेपर भी वैसे ही जा रहा है जैसे ये पत्ता जा रहा था। अब देखिए, ये पत्ता रुक गया है क्योंकि इसका फ्यूल खत्म हो गया है, यानी कि उसके पीछे जो सैनिटाइजर था वो खत्म हो गया। अब मैं ये सैनिटाइजर को फिर से इसके पीछे डालता हूँ, देखिए फिर से ये चलने लग गया। अब देखिए, ये पेपर रुक गया, अब मैं इसके पीछे डाल देता हूँ सैनिटाइजर, फिर से ये पेपर ही चलने लग गया। फ्रेंड्स, ये तो हमने बहुत ही छोटे लेवल पे किया है। अगर हमारे पास कोई पॉन्ड या स्विमिंग पूल होता तो भाई हम बड़े बड़े पत्ते लेके और सैनिटाइजर डालकर उसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नई चीज़ सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, आपके ही जैसे लोगों को इसे शेयर कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।